तेरे समय करा दे नरके कर ले रया तो समय आवनी जानी हेरे समय पे प्यारा थोरा धर जायो समय बदल जावानी समय करा दे नरके करले समय आवनी जानी समय पे प्यारा थोरा धर जायो समय बदल जावानी समय पे प्यारा थोरा धर जा समय बदल जावानी समय बदल जा बानी समय कैसा किस पर आया पहली बात में क्या जिक्र कर दिया क्या लिखा समय का चक्कर समय का चक्कर चढ़ा शीश पे समय का चक्कर चढ़ा शीश पे गोरख जी डटे थे मौसी के दर्शन मौसी के दर्शन करण की खातर रे पूरन मल नाते थे मौसी के दर्शन करण की खातर पूरन मल नाते थे धन माया के भरे खजाने धन माया के भरे खजाने ना धन के घाटे थे श्यालकोट में सूर्य ग्रहण हुआ जड़ पूरन मल काटे थे श्यालकोट में सूर्य ग्रहण हुआ पूरन मल काटे थे समय सुदीप सुलेमान ने समय सुदीप सुलेमान ने बेटे की कुर्बानी राजा हरिश्चंद्र का कि कहां एक राजा और कहां समय बिगड़ने के कारण एक बंगी के घर पानी भरना पड़ गया लिखा मेहरबानो कि कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए कि कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए और समय बड़ा बलवान समय ते डर के रहना चाहिए दूसरी बात में क्या लिखा क्या बताया समय के कारण समय के कारण हरिश्चंद के समय के कारण हरिश्चंद के सत भंडार भरे थे एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया बचना ते नहीं फिरे थे एक ब्राह्मण ने राज मांग लिया बचना ते नहीं फिरे थे लड़का राजा रानी तीनों लड़का राजा रानी तीनों
करे थे राजपाट सब खोस लिया बाकी शोभार धरे थे कैसे दिन उठाने पड़ेंगे। ये कहने लगी कि पियाजी मेरी बात मान लीजिए, आप जुए का खेल मत खेलिए, क्योंकि जिस जिसने भी जुआ खेला उन्हें पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़ गए। न्यू कहने लगी कैसे, तीसरी बात में लिखा क्या बताया। समय का चक्कर चढ़ा शीश पे, समय का चक्कर चढ़ा शीश पे, कुछ करते खेला था राजपाट सब जीत लिया उसके पास नहीं खेला था। कष्ट गात जेल्या था, चार प्राणी थे तीन जगह पे रे भरिया बिछड़ गया मेला था। लोहाना से जो अपनी बेटी की तरह मुझे मानते हैं, 200 रुपए से पहले भी मान सम्मान किया पार्टी का, फिर से 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं और ढेर सारी टॉफी भी देते हैं। एक बार अंकल के लिए जोरदार ताली मार दो आप। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। होता है
जा रहे हैं, इतने से टाइम का पता नहीं चलता कब क्या हो जाए किसके साथ में, इसलिए सभी को हंसी खुशी रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और जैसा समय आ जाए वैसा काटना चाहिए। चौथी बात में दादा ने तोड़ किया कि किस किस पर और कैसा समय आया और कैसा समय बिताया, क्या लिखा समय के कारण गुरु मान सिंह, समय के कारण गुरु मान सिंह बड़े बड़े राजा तिर गए, समय के कारण हीर और रांझा परली पार उतर गए, समय के कारण हीर रांझा परले पार उतर गए, समय के कारण मोर ध्वज, समय के कारण मोर ध्वज बेटे पे आरा धर गए, उस बेटे का उस बेटे का शरीर चीर के वो न्यारा न्यारा करेंगे, उस बेटे का शरीर चीर के वो न्यारा न्यारा करेंगे, लक्ष्मी चंद कहे इस दुनिया में, लक्ष्मी चंद कहे इस दुनिया